हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं TY BCOM 6 सेमेस्टर का जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर हुआ है, उसके ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करने वाले, चेक करने वाले हैं। हो सकता है कि मेरे से भी कुछ आंसर आप लोगों को मैं गलत बता दूं। अगर ऐसा कुछ लगता है स्टूडेंट्स कि सर आपने कुछ आंसर गलत बताया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एकदम प्रॉपरली बता देना, ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। जितना कोशिश हुआ मैंने आप लोगों के लिए एकदम राइट आंसर क्या किया हूँ फाइंड करके लाया हूँ, ठीक है। तो भी अगर इंसान से गलती हो जाती तो उसके ऊपर गलत कमेंट नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, समझना है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं ही कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जो भी पेपर हुए हैं उसके ऑब्जेक्टिव लेके आने के लिए। तो इसके लिए एक लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब तो बनता है डियर फ्रेंड्स। मुझे नंबर्स ऑफ मैसेज आते हैं कि सर अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव के आंसर अपलोड नहीं किए, जैसे कि इकोनॉमिक्स का पेपर मेरे से मिस हो गया, मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो अभी अब मतलब नहीं अपलोड करके, ठीक है। तो मुझे मैसेजेस आए थे लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था डियर फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ। आप लोगों के लिए बहुत कीमती वक्त निकाल के हम आपके लिए क्या लेके आते हैं, वीडियो लेके आते हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाओ। लेकिन स्टूडेंट्स आप ऐसा नहीं करते हो, जो हमारे दिल पर क्या लगती है, ठेस पहुंचती है। तो कोशिश करो डियर स्टूडेंट्स, आप जो भी सर को फॉलो करते हो एटलीस्ट उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि उनको एक वहां से मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। सर आप बोल बच्चन मत दो, डायरेक्टली आंसर बताओ। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के आंसर की। जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, GST इज अ बेस ऑन द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा एकदम करके दिखा दूंगा, ताकि आपको चाहिए तो इसका पूरा PDF भी मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो जो पहले का आंसर है ना डियर फ्रेंड्स, उसका आंसर रहेगा डेस्टिनेशन। क्या रहेगा? डेस्टिनेशन। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते भी जाना कि आप लोग को कितने मार्क्स मिले है। डन। तो पहले का आंसर था आपका डेस्टिनेशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डैश इज अ टैक्स डेट शिफ्टेड फ्रॉम द वन टैक्स पेयर। देखिए यो तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, चलो मैंने भरा उसके बाद में कोई और भी भरा वही चीज़ों को, तो ये हम लोग शिफ्ट करते जाते, क्या करते जाते, शिफ्ट। तो पहले का था तुम्हारा सी और यहाँ पर है बी, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ए गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया शॉल बी, तो यहाँ पर आपका आंसर है लोकेशन आउटसाइड इंडिया। डन। हाँ सर डन। अब क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर होने वाला डियर, मिस्टर उल्लास हैज आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी अंडर द IGST 60,000, द अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल अंडर द CGST एंड अंडर। अब उसको कितना पे करना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं इसको मोस्टली माइनस, तो बी आंसर आएगा इसका। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? बी, ठीक है। एवरी पर्सन इज लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 और 24 CGST एक्ट 2017 शॉल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपका आंसर है डियर फ्रेंड्स 30 डेज। क्या है? अगर आपको लग रहा है कि आप सर आंसर गलत दे रहे हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है तो मोस्टली तो मेरे हिसाब से सारे आंसर जो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो राइट ही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंटरेस्ट एट द रेट इज डैश पेबल ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द GST। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताओ, ताकि ये वीडियो ऑलमोस्ट आप प्रीमियर में देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपने आंसर क्या लिखे, मैं आपको बता दूंगा डियर फ्रेंड्स, डेट इज 18%। क्या है? 18%, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेवन, डैश इज नॉट इंक्लूड इन द टर्म्स ऑफ गुड्स एंड अंडर, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था मनी एंड सिक्योरिटीज। क्या आना चाहिए था? अब कुछ बच्चों ने एक्शनेबल क्लेम लिखे रहेंगे, कुछ बच्चों ने ग्रोइंग क्रॉप्स, लेकिन रियल आंसर आपका रहेगा मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नाइन, अंडर द रिवर्स चार्ज द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस इज ऑन, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपका एट का आंसर रहेगा रिसिप्टेंट ऑफ सप्लाई। क्या रहेगा? रिसिप्टेंट ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर नाइन, द टैक्सेबल इवन अंडर द IGST ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस इज द कोर्सेस ऑफ इंडक्शन, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए सप्लाई। अब आप लोग ने क्या लिखा और क्या आंसर करेक्ट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर टेन, सेंट्रल इन द एक्सरसाइज शॉल बी लीव ऑन एडिशन बोला यहाँ पर, तो एडिशन अगर ऐसा बोला है तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आंसर आना चाहिए टैबेको एंड टैबेको प्रोडक्ट। डन। कुछ बच्चों ने लिखे रहेगा अल्कोहल प्रोडक्ट, अल्कोहल फॉर वुमेन, ये भी है लेकिन इसकी कंडीशंस अलग है, लेकिन सी आएगा आंसर, ठीक है। 11, चेयरपर्सन ऑफ IGST काउंसिल, यहाँ पर आपका आंसर है यूनियन फाइनेंस, ये तो कन्फर्म आंसर राइट है 11th बी वाला, ठीक है। 11th का क्या रहेगा? बी। डैश इज लिव ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई इम्पोर्टेड, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपका 12th का आंसर रहेगा IGST। डन। तो ये क्वेश्चन नंबर
12 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको कोई भी 10 लिखना था। अब आप लोग मुझे बताना कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ताकि मुझे लग रहा है कि मेरे से पहले अभी तक किसी ने वीडियो ये अपलोड नहीं किया है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे ही सारी चीजें मिलेगी डियर फ्रेंड्स। आप मानो या मानो, जो आपका एक्सपोर्ट का पेपर होगा वो भी हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग के लिए वीडियो लेके आएंगे। अब ट्रू और फॉल्स में भी अगर कुछ मिस्टेक हुई लेगी तो आप लोग जरूर मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो मिस्टर मिस्टर सोनल ऑफ दिल्ली सप्लाई टू गुड्स मिस्टर सिद्धि ऑफ कोलकाता। हाँ, ये तो ये इंटर स्टेट ही रहता है। क्या रहता है? इंटर स्टेट। आउटसाइड है ना, मतलब महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। तो ये आपका आंसर रहेगा ट्रू। पहले का क्या है? ट्रू। पहले का क्या है? ट्रू। आप लोग ने क्या लिखे? पहले का आंसर आप लोग ने ट्रू लिखे गया, फॉल्स लिखे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे क्या होगा, हमारे दोनों के बीच में एक वार्तालाप, एक कन्वर्सेशन होगा, जिससे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ एक्टिव रहते हैं। क्या रहते हैं? मान बड़ा वीडियो देख रहे जा रहे, नहीं, एक्टिव रहना है। क्या रहना है? एक्टिव। हाँ, जब भी सर क्वेश्चन पूछे तो मुझे उसका आंसर देना है। समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स पॉइंट व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द चार्ज। तो यहां पर भी आपका आंसर रहेगा डियर फ्रेंड्स ट्रू। क्या रहेगा? ट्रू, ठीक है। अनंत सोल्ड गुड्स 1,18,000 ऑफ अबव एंड इंक्लूसिव 90% 99। और यहाँ पर बेसिक देखो, यहाँ पे इंक्लूसिव बोला, इंक्लूसिव का मतलब होता है ऐड हुआ हुआ है। वो क्या है? तो अगर 1,18,000 में तुम्हारा 9% ऐड है, वो हो जाएगा तुम्हारा 18,000। तो यहाँ पे बेसिक प्राइस ऑफ ए गुड्स विल बी द 1,00,000। तो ये आंसर भी ट्रू है। क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, ट्रू ट्रू ट्रू, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रू। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्या लिखे, कमेंट सेक्शन में अगेन एंड अगेन मुझे बताते रहना है। क्वेश्चन नंबर 4, द इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल्फ एसेस इन द रिटर्न ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन शॉल बी क्रेडिट टू द। हाँ, राइट है आंसर डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से किए रहेंगे तो पता चलेगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी क्या है? ट्रू है। देखो स्टूडेंट्स, कैसा होगा ना, जब इंटरेस्ट होगा ना पढ़ाने में, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो मैं तो अपना पूरा इंटरेस्ट दिखा तो आपको पढ़ाने में, आपको वीडियो दिखाने में, आपको जितनी कोशिश होती है। और आज आप लोग एग्जाम के हॉल से कैसा स्माइल करते हुए आए कि नहीं, बिकॉज जो बताया था कल के पेपर में सेम टू सेम। अगर आप लोग ने मेरा कल का पेपर देखे रहेगा, कल का वीडियो देखे रहेगा डियर फ्रेंड्स, सेम था, सिर्फ क्या नंबरिंग थोड़े से नेम चेंज हुए, बाकी सेम पेपर है डियर फ्रेंड्स, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ऐसा इसके लिए बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। और कल रात में ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, ऑलमोस्ट पूरा पेपर 101% वही से आया था। अब क्वेश्चन नंबर 5, द क्रेडिट ऑफ CGST कैन बी यूटिलाइज फॉर ओनली CGST। तो यहाँ पर आपका आंसर है फॉल्स। क्या है? फॉल्स। CPIN इज अ 15, नहीं, ये 15 डिजिट का नहीं होता पहली बात, ये 14 डेलिक्सी वैलिडिटी भी। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या रहने वाला है? फॉल्स। क्या रहेगा? फॉल्स। स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन द ब्रांचेस इज नॉट टैक्सेबल, अगेन आंसर फॉल्स। हाँ, अगर ये नॉट नहीं होता ना डियर फ्रेंड्स तो ये ट्रू होता, लेकिन ये भी क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स? फॉल्स। क्या रहेगा? फॉल्स। क्यों? यहाँ पे क्या लिखकर आ गया है? नॉट आ गया, नॉट नहीं आना चाहिए था। डन। अब क्वेश्चन नंबर 8, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इज ऑलवेज लोकेशन। यहाँ पर आपका रेसिडेंट यूजली, तो जहां पर आपका बिजनेस होता है ना, लोकेशन वहां होती है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम लोग मान के चलेंगे रेसिडेंस ऑफ द सप्लायर। तो यहां पर भी हम लोग आंसर ले सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन कंपलसरी कौन सा होता है? जहां पे उसका ऑफिस या जहां पर वो लीगली क्या अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ। लेकिन आंसर ट्रू लिखोगे तो भी चलेगा। वेयर द गुड्स आर इंस्टॉल्ड एट द साइट द रेसिपिएंट बिकम द प्लेस ऑफ द सप्लायर। तो अगेन आपका आंसर यहां पर रहने वाला है ट्रू। क्या रहने वाला है? ट्रू। कंसिडरेशन इंक्लूड एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी। यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है फॉल्स। सप्लायर इज ऑलवेज टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पर अगेन आपका रहने वाला है ट्रू। IGST इज वन ऑफ द टू टैक्सेस चार्ज ऑन द इंट्रा स्टेट। तो IGST में क्या रहता है? दो लगता है, दो इनडायरेक्टली IGST में डबल हो जाता है, CGST और SGST। तो यहाँ पर भी आपका आंसर रहने वाला है ट्रू। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है डियर फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि अदर स्टूडेंट्स को क्या हो सकता है, ये हेल्पफुल होगा। और आपको कितने मार्क्स मिलेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मोदी जी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं बोलेगी, यहां से आपको बेनिफिट होने लगा, वही चीज करो। आपको लग रहा है कि भाई पूरे एग्जाम में आपको हमारे चैनल से कुछ भी फायदा हुआ है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा भी एक ड्रीम है कि बहुत जल्दी हम लोग 1,00,000, या तो पहले सबसे पहले हमारा ड्रीम है जो 50K का हम चाहते हैं,
आपके रहते रहते मतलब जैसा आपका रिजल्ट आएगा उसके पहले हमारा टारगेट है 50K कंप्लीट हो जावे। ये पॉसिबल आपके थ्रू ही है, अगर आप लोग चाहो तो 2 दिन में भी 50K हो सकता है। प्लीज सपोर्ट अस, हम भी कोशिश करोगे आने वाले जो भी TY BCOM के स्टूडेंट्स होंगे उसकी भी उनकी भी इसी तरह से हम लोग भी हेल्प करते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।